चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 10 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कह रहा है, एक काले और एक लाल पासी को उछाला गया है। देखो फिर देखो इसमें ए पार्ट लिखा, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। कह रहा देखो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लिखा है यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो ध्यान दो, ठीक है। यहां पे हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखो एक काले पासा एक लाल पासा, ठीक है, दो पासे एक साथ उछालेंगे। देखो ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास प्रति 10 समिष्ट बनेंगे, ठीक है। और टोटल प्रति समिष्ट कितने बनेंगे, 6 × 6 कितना होगा, 36 हो जाएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इसके बाद, अब देखो इसमें ये कह रहा था प्रायिकता में किसकी निकालना है। देखो कह रहा पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। यहाँ पे देखो एक चीज याद रखोगे, ठीक है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको हम लोग ई मानेंगे, क्या मानेंगे, ई, और जो चीज हमें ज्ञात है उसको हम लोग एफ मानेंगे। देखो यहाँ पे ज्ञात क्या, देखो यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो ये तो हमें पता है, देखो ठीक ज्ञात है, तो यहाँ पे देखो ई घटना मान लेते, ठीक, ई सच दे, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, पासों पर ठीक है, प्राप्त संख्याओं का योग तो प्राप्त संख्याओं का योग 9, ठीक है। यहाँ पे 9 होने की घटना ऐसे लिखो, ठीक है, 9 होने की घटना। और एफ क्या मानोगे, ठीक है, एफ माना तो, ठीक है, एफ कह रहा है कि काले पासे पर अंक 5 प्राप्त होने की घटना, अंक 5 प्राप्त होने की घटना, देखो ठीक है, अंक 5 प्राप्त होने की घटना, देखो ठीक यहां पे। अब देखो ध्यान से, अब पहले हम लोग देखो ई और एफ को निकाल लेते, ठीक है। देखो ई और एफ, ई देखो क्या होगी, देखो ई को हम बना लेते, देखो ध्यान से रखना, ई देखो ई के अभी हम निकाल लो, ठीक है। देखो अब वो ये कह रहा था, देखो ठीक है, कि प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 9, देखो ठीक है, प्राप्त संख्याओं का अंक कितना है, अंकों का योगफल 9 है। तो ध्यान देखो, ठीक है, ये कह रहा था एक हमारे पास काला पासा है, ठीक है, और एक हमारे पास कैसा है, देखो लाल पासा है, दो पासे, ठीक है। तो पहले पासे पे देखो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, देखो ठीक है, यहाँ पे ये आ सकते हैं। और दूसरे पास देखो लाल वाला देखो पासा, उस पर 1 2 3 4 5 6, देखो ठीक। अब वो कह रहा है देखो कि अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखो अगर पहले पास मान लो अगर यहाँ पे 1 आया, कितना 1, तो दूसरे पे देखो अधिकतम कितना आएगा, देखो अधिकतम 6 आ सकता है, तो इसका योगफल करेंगे तो योगफल देखो 7 आएगा, हमें योगफल नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, चेक कर लो, क्योंकि 1 + 6 कितना होगा, 7 होगा। अब देखो अगर पहले पे 2 आया, ठीक है, तो दूसरे पे अधिकतम कितना आ सकता है, अधिकतम 6 आ सकता है। अब देखो जोड़ के देखो, ठीक है, अब इन्हें अगर जोड़ेंगे तो हमारा 8 ही योगफल हुआ, अभी भी देखो 8 होगा, ठीक है, हमें योगफल कितना चाहिए, 9 चाहिए। अब देखो ठीक है, ध्यान से, पहले पे अगर 3 आ गया, ठीक है, तो दूसरे पे 6 आने चाहिए, तो हमारा योगफल कितना होगा, 9 होगा। तो पहला जोड़ा मिल गया हमें, देखो कितना, 3.6 मिल गया। देखो अगर इस पे 4 आएगा, ठीक है, इस पे 4, तो इस पे 5 आने चाहिए, तो योगफल 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4.5। अब अगर इस पे 5 आएगा, ठीक है, 5, तो इस पे क्या आने चाहिए, इस पे 4 आने चाहिए, क्या आने चाहिए, इस पे 4 आने चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, पहले पे 5, दूसरे पे 4, ठीक है, तो 5.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब आ जाए, इसके बाद देखो पहले पे अगर देखो 6 आएगा, ठीक, तो दूसरे पे क्या आने चाहिए, 3 आने चाहिए, क्या आने चाहिए, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, ये आएगा 6.3 आ जाएगा,
देखो ठीक चेक कर लो तो ये आएगा, क्योंकि वो कह रहा था कि प्राप्त संख्याओं का योग नौ होने की सापरत बनती है, दो अंकों का योगफल नौ होने की। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, देखो यहाँ पे ई निकाल लिया। अब आ जाओ ठीक, इसके बाद देखो हम देखो एफ को निकालते, ठीक एफ कितना होगा हमारा, तो एफ एफ हमारे पास होगा, तो अब यहाँ पे तो वो कह रहा था कि काले पासे पर अंक पांच प्राप्त होने की घटना। तो देखो काला पासा तो पहले उछाला गया था, ठीक हो पहला पासा हमारा काला था यहाँ पे काला, और दूसरा पासा ये वाला था लाल, ये वाला कौन सा पासा था लाल। तो पहले पे कह रहा था वो फिक्स है, पहले पे अंक कितना आना चाहिए पांच, इस पे पांच ही आएगा, इस पे कुछ भी आए। तो यहाँ पे पहला जोड़ा बनेगा तो सिर्फ 5.1 बनेगा, 5.2 बनेगा, 5. बनेगा हमारे पास 3 बनेगा, ठीक है 5.4 बनेगा, 5.5 बनेगा, ठीक और इसके बाद एक और जोड़ा बनेगा, ठीक 5.6 बनेगा, 5.6 तो ये जोड़े बनेंगे, ठीक है यहाँ पे आप लोगों क्या करना, इनका कॉमन देख लो, ठीक इनका कॉमन कितना रहता है, इनका कॉमन आएगा तो वो ई इंटरसेक्शन एफ। देखो कॉमन क्या रहा था वो चेक कर लो, देखो ठीक कॉमन क्या रहा था वो चेक करो, ये वाला देखो कॉमन आ रहा है, ठीक हो ये वाला कॉमन आएगा, देखो ये वाला कॉमन आ रहा है, ठीक हो क्योंकि एफ के जो अवयव है एफ के वो पांच से स्टार्ट हो रहे, ठीक है ई में देखो एक ही ऐसा अवयव है जो पांच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ये वाला देखो कॉमन आ रहा है, लिख लो कॉमन, देखो ये आएगा हमारे पास कॉमन आ गया कितना 5.4 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो, ठीक है तो ये जगह पी ई बाई एफ निकालना होगा, ठीक है अभी तो एन ये जगह देखो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना हो जाएगा एन एफ आ जाएगा। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ देखो कितना, देखो यहाँ पे एक जोड़ा है, ठीक है तो एक बटे में ठीक टोटल एन एफ कितना देखो दो दो चार छह देखो यहाँ पे, ठीक है ये हमारे पास क्या आ गया देखो आंसर आ गया इसका, लिख लो ठीक है लगा लो सब लोग, ठीक नोट कर लो जल्दी से, ये आंसर आ गया, ठीक फाइनल आंसर आ गया, देखो ये आंसर है, ठीक है लिखो ठीक सब लोग लगा लो जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है देखो अगला क्वेश्चन है, देखो इसका बी पार्ट, देखो बी पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग आठ होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ठीक है पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल आठ होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या चार से कम है। देखो ठीक ये मुझे यहाँ पे सापेक्षवेंद प्रायिकता निकालने, देखो ठीक है चलो चल लिखते हैं, देखो चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुल प्रतिदिश समिष्ट कितने बनेंगे, देखो कुल प्रतिदिश समिष्ट बनेंगे एनएस, दो पासे उछालेंगे, ठीक 6×6 कितने बनेंगे देखो 36 बनेंगे 36, ठीक है। अब देखो ई क्या मानोगे यहाँ पे, ई मानना है कि अंकों का योगफल, ठीक है अंकों का योगफल, अंकों का योगफल प्रकट होना, ठीक है आठ प्रकट होना, और एफ क्या मानोगे तो एफ एफ मानना दो, ठीक कि लाल पासे पर संख्या चार से कम प्रकट, ठीक संख्या चार से कम प्रकट होना, चार से कम प्रकट होना, ठीक है देखो यहां पे चलो देखो ठीक है सबसे पहले हम देखो ई बना लेते हैं, देखो ठीक है ई के देखो कितने अवयव है वो डाल सको, ठीक है अब देखो हमारे पास क्वेश्चन यही वाला है, देखो यहाँ पे ठीक है पहला एक काला पासा उछाला गया फिर एक लाल, ठीक है तो यहाँ पे एक काला पासा बना लो, देखो ऐसे नहीं एक काला पासा बना लेते, एक क्या बना लेते हैं यहाँ पे लाल बना लेते, ठीक है ये हमारे पास काला, ठीक
ये हमारे पास लाल पास है। अब देखो मुझे अंकों का योगफल कितना चाहिए, देखो अंकों का योगफल 8 हो, कितना हो 8। तो देखो अंकों का योगफल जब 8 होगा तो ध्यान रखना, ठीक है, अगले पेज पर बना लो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे तो इसको ऐसे बना लो, देखो 1 2 3 4 5 6 ये पहले पास पे अंक आएंगे, ठीक है, और ये दूसरे पास क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 चलो अब जोड़ा बनाओ, ठीक है। देखो हम जोड़ा बनाएंगे, अगर पहले पे देखो 1 आएगा, ठीक है, तो दूसरे बताओ कितना आने चाहिए कि योगफल 8 आ जाए। देखो ठीक है, 1 का जोड़ा किसी से बनेगा, क्या योगफल 8 होगा, नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब 2 अगर पहले 2 आ गया, ठीक है, दूसरे पे 6 आ जाए तो योगफल 8 हो जाएगा। देखो तो मैं एक जोड़ा मिल गया, कौन सा, 2.6 मिल गया। ऐसे देखो नेक्स्ट इस पे देखो 3, पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 5 तो ये आएगा 3.5 होगा, 3.5, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, सॉरी इसके बाद तो पहले पे अगर 4 आएगा, ठीक है, तो इसपे भी दो 4 आ जाए तो योगफल 8 मिल जाएगा, ठीक है। दो योगफल 8 चाहिए, दो 4.4। अब अगर पहले पे 5 आ गया, ठीक है, पहले पे अगर 5 आया, ठीक है, यहाँ पे देखो पहले पे 5 आया तो इसपे 3 आने चाहिए तो योगफल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5.3। अब आगे देखो, ठीक है, अगर पहले पे 6 आया तो दूसरे पे 2 आने चाहिए। इतने सारे जोड़े बनेंगे, देख लो चेक कर लो, ये सारे जोड़े बनेंगे, देखो इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब ठीक है, इसके बाद इसको हटा देती, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दो। उसने ये कह रखा था, देखो ठीक, क्या कह रखा था क्वेश्चन में, अब कह रहा था कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम प्रकट हो रही है। देखो तो यहाँ पे देखो एफ लिखो, ठीक है, एफ ध्यान रखना, एफ कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये लाल है, ठीक है, देखो लाल पासे पर 4 से कम, मतलब अगर लाल पे 1 आया, ठीक है, तो इसपे काले पे कुछ भी आ सकता है, मतलब इस पे 1 भी आ सकता है, तो एक जोड़ा ये बनेगा 1 1 1 1, ठीक है। तो हम पहला जोड़ा ये बना लेते कि 1 1, अब काले पे 2 भी आ सकता है तो 2.1 बनेगा, ठीक है, 2.1 उस पर फिक्स रहेगा, ठीक है, इसमें लाल वाले फिक्स रहेगा, ऐसे बनेगा 3.1 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 4.1 बनेगा, 4.1, ठीक है, 5.1 बनेगा और 6.1 बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ देखो, ठीक, अब अगर देखो इस पे लाल वाले पे अगर 2 आ गया, ठीक, लाल वाले 2 आ गया, ठीक, और पहले काले पे कुछ भी आया, ठीक है, चाहे 1 आया चाहे 2 आया 3 आया, सारे जोड़े बना लो। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो 1.2 1.3, सॉरी यहाँ पे गलत लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे 2.2 होगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला देखो, ये 2 फिक्स रहेगा, ठीक है, ये फिक्स रहेगा, यहाँ पहला वाला चेंज करो, ठीक है, इस पे 1, फिर पहले देखो 1 लिखा, फिर 2, ठीक है, अब 3.2 4.2 5.2 और ये जाएगा 6.2 आ जाएगा। अब आ जाओ, ठीक, इसके बाद देखो, अब वो कह रहा था, देखो ठीक, अब इस पे मान लो अगर आ गया, इस मान लो 3 आ गया, ठीक, लाल वाले पे, तो पहले वाले काले पे कुछ भी आ, ठीक, वो कुछ भी आ, मतलब 6 जोड़े बनेंगे, 6.3 2.3 3.3 3.3, ठीक है, 3.3, ठीक, ये जाएगा हमारे पास 4.3 और 5.3 और ये जगह हमारे पास 6.3, ये आ जाएगा। देखो ठीक, इतने सारे जोड़े बनेंगे, देख लो, ठीक, वो कह रहा था कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम प्रकट होती है, देख लो, ठीक, जो लाल पासा हमारा था, देखो दूसरा पासा, उस पर 4 से कम संख्या प्रकट हो रही है, देखो ये वाली, देख लो, ठीक, प्रकट हुआ या फिर 2 प्रकट हुआ या फिर क्या प्रकट हुआ, 3 प्रकट हुआ। अब आ जाओ, ठीक, इसके बाद इसको हम लोग हटा देते, ठीक, यहां से इनका कॉमन देखो, ठीक, इनका कॉमन क्या आएगा, देखो E इंटरसेक्शन F क्या आएगा, E इंटरसेक्शन देखो F कितना आएगा, तो कॉमन देखो कितना आएगा, देखो अब देखो कॉमन कौन से आएंगे, देखो इनका देखो दूसरा वाला जो अंक है, ठीक है, दूसरा वाला जो अंक है वो 1 2 3 है, देखो या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर क्या होगा, 3 होगा, देखो तो दूसरा वाला अंक देखो चेक करो, दूसरा देखो अंक कौन कौन सा, देखो एक तो ये कॉमन आएगा, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है, ये और ये कॉमन आएगा, ठीक है, ये दोनों कॉमन नहीं आएंगे क्योंकि इनका दूसरा अंक देखो 4 4 से बड़ा है, देखो ठीक है, तो ये दोनों कॉमन आएंगे, कौन कौन कॉमन आएगा, 5 3 आएगा, ठीक है, और 6 2 आएगा, इसको हम लिख देते अभी, देखो यहाँ पे तो 5 3, ठीक, यहाँ पे लिखो 5 5 3, ठीक, यहाँ पे और इसके बाद ये आएगा हमारे पास 6 2 आएगा, देखो चेक कर लो, ये 2 कॉमन आ रहे होंगे, तो 5 3 कहाँ पे, देखो 5 3 5 3 देखो ये, ठीक है, और 6 2 देखो ये, ठीक है, ये 2 कॉमन आ गए। अब फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, पी हमें क्या निकालना, ई वाई एफ निकालना, पी ई वाई एफ,
तो फॉर्मूला लगाएंगे इसका, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। तो देखो इंटरसेक्शन में देखो कितने अवयव, देखो इंटरसेक्शन में दो अवयव, ठीक है, तो दो बटे ठीक है, एन एफ, एन एफ देखो कितना होगा, एफ में कितने अवयव होंगे, देखो चक्कर हो गए ना, तो ये सात और सात दूनी चौदह और सात या इक्कीस, सॉरी सात नहीं होंगे ठीक है, सॉरी यहाँ पे छह होंगे ठीक है, सॉरी दो दो चार दो छह ठीक है, छह होंगे, देखो छह ऊपर यहाँ पे और छह ये ठीक है, और छह ये कितने हो गए, अठारह हो गए ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने जाएंगे अठारह, इसको सॉल्व कर लो कितना होगा, एक बटे छह हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, देखो लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, इस तरह से लगाना क्वेश्चन ठीक है, देखो सभी लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लो ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है ठीक वो इंपॉर्टेंट है ठीक, सब लोग टिक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ठीक, लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो, सॉरी यहाँ पे गलत काट दिया ठीक है, यहाँ पे गलत काट दिया, देखो ठीक कितना आएगा, नौ आएगा ठीक है, सॉरी ठीक है, आंसर नहीं देखो मैच कर रहा था ठीक है, नौ आएगा यहाँ पे ठीक है, गलत काट दिया था, इसको इससे काटना था, नौ आएगा ठीक है, लिख लो ठीक, नोट कर लो, चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो ग्यारह नंबर ठीक है, ग्यारह क्या कह रहे देखो, एक न्यायिक ठीक है, दो एक न्यायिक पासे को उछाला गया ठीक है, फिर लिखा है घटना ई, ई दे रखा है वन थ्री फाइव, एफ दे रखा है दो तीन, और जी दे रखा है देखो दो तीन चार पांच के लिए निम्नलिखित ज्ञात करो, देखो ठीक है, ये सब हमें ज्ञात करना, देखो ये ठीक है, तीनों पार्ट करना सॉल्व ठीक है, देखो ठीक है, चलो देखो सॉल्व करते दो, तो यहाँ पे ई मुझे दे रखा था ठीक, ई का मान कितना देखो, ई का मान है एक तीन पांच, एक तीन पांच, और एफ का मान है देखो हमारे पास दो तीन, एफ का मान है दो तीन ठीक, यहाँ पे और जी का मान देखो कितना है ठीक, जी का मान है हमारे पास दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच ठीक, दो ये हमारे पास, अब देखो पहला पार्ट ही, तो इसका पहला पार्ट जो है ठीक, वो पहला पार्ट, तो ऐसा करते हैं देखो, तो पहला वाला पार्ट ई और एफ ठीक, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, तो ई और एफ में कॉमन क्या आ रहा, देखो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, देखो ई और एफ में कॉमन देखो कितना आ रहा, तीन कॉमन आ रहा, लिख देते दो ठीक, तीन आएगा, अब देखो यहाँ पे इसके बाद देखो, चलो इसमें तो यही आएगा ठीक, अब ई और जी में कॉमन क्या रहा, देखो ई इंटरसेक्शन जी, देखो ई इंटरसेक्शन देखो जी, ई और जी में देखो ई और जी में कॉमन क्या आ रहा, तीन पांच कॉमन आ रहा ठीक, तीन पांच, तीन और पांच देखो ये आ गया ठीक, अब देखो ठीक, चलो चलो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, देखो ध्यान से रखना ठीक, पहला वाला देखो पार्ट निकालते, देखो पहला वाला पार्ट क्या कह रहा, पी ये कह रहा देखो हमारे पास ई वाई एफ निकालना ठीक, यहाँ पे ई वाई एफ क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, E इंटरसेक्शन F अपॉन में क्या हो जाएगा, पी एफ आ जाएगा, तो देखो ठीक, सॉरी ऐसा करो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ना लगाओ ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एन वाला लगाओ ठीक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एन ई इंटरसेक्शन F बटे में कितना हो जाएगा, एन एफ, देखो ठीक इंटरसेक्शन में देखो कितना कॉमन है, एक कॉमन है ठीक, एक बटे एन एफ में कितने, देखो एफ में कितने अवयव, देखो सॉरी एफ में हमारे पास दो अवयव ठीक है, दो अवयव, ये आंसर आ गया, देखो अब इसका देखो ठीक, इसका दूसरा पार्ट देखो इसी का, ये वाला पार्ट ठीक, हमसे पूछ रहा पी
एफ वाई ई निकालो, ये हमारे पास दो इसका फॉर्मूला लगा दो, एन एफ इंटरसेक्शन ई बटे में कितना जाएगा एन ई हो जाएगा। अब देखो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में क्या लिख सकते हैं एन ई लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ठीक, तो कॉमन क्या है देखो यहाँ पे देख लो कॉमन कितना होता है, तो कॉमन एक अवयव आ रहा था कॉमन, तो लिख लो यहाँ पे देखो एक बटे एन ई कितना होगा देखो एन ई, एन ई में कितने अवयव देखो तीन अवयव है, तो यहाँ पे लिख देते तीन, ये आ गया हमारे पास ठीक है। इसका देखो दूसरा पार्ट, इसका देखो दूसरा पार्ट क्या कर रहा, पी ई अपॉन जी निकालना ठीक, पी ई अपॉन जी ये देखो पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में क्या हो जाएगा पी जी हो जाएगा। देखो ठीक है ई इंटरसेक्शन देखो जी कितना आया था, देखो ई इंटरसेक्शन जी कितना आया था, दो अवयव कॉमन आए थे ठीक, सॉरी यहाँ पे फिर से फॉर्मूला एन वाला लगाओ ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में दिक्कत होगी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ठीक है कितना कॉमन था, देखो कॉमन आ रहा था यहाँ से, देखो कितना आ रहा दो कॉमन आ रहा ठीक है, दो बटे और नीचे आ जाओ ठीक है एन जी, देखो एन जी में कितने हुए, देखो जी में चार अवयव है तो चार ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक बटे दो आ जाएगा, देखो ठीक ये आ गया आंसर। अब देखो इसका उल्टा देखो ठीक है, इसका उल्टा कौन सा देखो, उल्टा क्या कह रहा, इसका उल्टा देखो ये कह रहा ठीक है जी अपॉन ई निकालो, जी अपॉन ई ठीक है, ये जगह पी जी सॉरी ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाओ एन जी इंटरसेक्शन ई ठीक है, दोनों इंटरसेक्शन बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आएगा हमारे पास एन ई आएगा, तो यहां से देखो इसको हम पलट के लिख सकते हैं, देखो ठीक पलट लिख दो एन ये जगह ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में कितना आएगा एन ई आ जाएगा, तो देखो ठीक इन का कॉमन देखो कितना रहा, कॉमन इसका देखो कॉमन कॉमन अब कितने दो बटे में ठीक है, दो बटे में एन ई, एन ई में देखो ई में कितने हैं देखो तीन अवयव है, तो यहाँ पे लिख देते हैं थ्री, तो ठीक है ये आंसर आ गया। देख लो ठीक ये आंसर आ गया हमारे पास। अब तो इसका एक और पार्ट बचा ठीक, थर्ड पार्ट और देखो ठीक, थर्ड पार्ट ठीक है, तीसरा पार्ट और देखो, देखो ठीक यहाँ पे तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखो हमसे क्या कर रहे, तीसरा पार्ट कर रहा था वो किसकी वैल्यू निकालना है पी, ये लिखा था वो पी ई यूनियन जी, ई यूनियन जी ठीक है, ई यूनियन एफ बटे जी ठीक है, अपॉन में जी है सॉरी यहाँ पे एफ है ठीक है, ई यूनियन एफ अपॉन में क्या है जी है। चलो देखो इसका पहले फॉर्मूला लगाओ ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा एन ये आएगा हमारे पास, ऐसे ब्रैकेट लगाओ एन E union F और इसके साथ इंटरसेक्शन करो ठीक है, इंटरसेक्शन G और बटे में कितना आएगा, तो बटे में आएगा एन जी आ जाएगा एन जी ठीक। अब देखो E union F, E union F निकाल लो कितना आएगा, तो यहाँ पे तो E और F का यूनियन करो पहले ठीक, E union F निकालो पहले, देखो ध्यान से देखना E union F निकाल लेते तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास एक तीन पांच, इसमें दो तीन, दो तीन आ जाएगा एक दो तीन पांच आ जाएगा, एक दो तीन पांच। अब देखो ठीक, अब कॉमन किसके साथ करना था वो, अब इंटरसेक्शन करना था वो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन देखो जी, जी के साथ देखो इसका और इंटरसेक्शन देखना किसके साथ, जी के साथ देखो ठीक है, जी ये हमारे पास है कॉमन क्या आएगा, देखो इसमें देखो दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, तो ये कॉमन आ गया देखो दो तीन और पांच कॉमन आ रहा, तो ठीक चेक कर लो एक बार सॉरी यहाँ पे दो ठीक चेक कर लो दो तीन पांच, देखो दो तीन पांच सही ठीक, अब कॉमन लगा देते देखो ठीक, रखो ऊपर मान कितना जाएगा एन ये जाएगा सॉरी पी, पी ये जाएगा तो ई यूनियन एफ अपॉन में कितना जाएगा जी, देखो ठीक यहाँ पे तो इसमें देखो कितने अवयव देखो कॉमन ठीक है, कॉमन देख लो कितने अवयव कॉमन है, देखो यहाँ पे कॉमन अवयव हमारे पास तीन बटे में एन जी, एन जी देखो जी में कितने अवयव है, देखो ध्यान से देखो ठीक जी में, देखो जी में कितने अवयव है, जी में चार अवयव है, तो यहाँ लिख दो चार, ये आ गया ठीक आंसर। अब देखो ठीक इसके बाद इसका एक और पार्ट दे रखा ठीक, एक और पार्ट है ये वाला ठीक है, ये वाला अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है देखो ठीक यहाँ पे, चलो देखो ठीक यहाँ पे
इसका एक और पार्ट है पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी, इसका फॉर्मूला लगेगा एन ये देगा ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी बटे में जाएगा तो वो हमारे पास एन जी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ऊपर देखो तीनों का कॉमन, ठीक है यहाँ पे तीनों कॉमन निकाल लो कितना होगा ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन होगा जी, देखो तीनों का कॉमन क्या रहा था वो, ठीक है तीनों दो चेक करो, इन देखो तीनों का कॉमन क्या रहा था, तीनों में कॉमन तीन आ रहा देखो, ठीक है तीन देखो ऐसी संख्या जो तीनों में, ठीक है तो कॉमन आएगा तीन, क्या लिखेंगे यहाँ पे तीन आएगा। अब चलो ठीक है वैल्यू रख देते देखो यहाँ पे, रखो यहाँ पे देखो पी ये ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना देगा जी देगा, तो यहाँ पे देखो तीनों का कॉमन कितना देखो थ्री सॉरी एक अवयव, ठीक है यहाँ पे एक अवयव लिखना ठीक है वन अपॉन और एन जी, एन जी कितना देखो एन जी, ठीक जी में कितने देखो चार अवयव है, ठीक यहाँ पे चार लिख देते देखो यहाँ पे चार लिख दो, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है देखो लाल ठीक नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है देखो ये आंसर आ गया देख लो, ठीक जल्दी से नोट कर लो लाओ ठीक नोट कर लो, तब तक आंसर चेक कर लेते, ठीक है देखो आगे लिखो जल्दी से ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से ये नोट कर लो, ये नोट कर लो जल्दी से लगा लो, ठीक नोट करो जल्दी से सभी लोग, ये तो और वाला पार्ट है, ठीक ये और वाला देखो, ठीक चलो चलिए अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते देखो, ठीक अगला क्वेश्चन चलो देखो कितना कर क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो 12 नंबर, ठीक है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले पढ़ो ध्यान से, देखो देखो लिखा है मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना सम संभव है, तो ठीक मतलब लड़का और लड़की होना क्या है समान संभावना है, ठीक है इसका मतलब ये ठीक सम संभाव सम संभाव्य है। फिर लिखा है यदि किसी परिवार में दो बच्चे देखो किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़का होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा वो लड़की है देखो सबसे छोटा बच्चा क्या है लड़की है, फिर दूसरी कंडीशन है कि न्यूनतम एक बच्चा क्या है लड़की है देखो ये कंडीशन दे रखिए देखो, चलो ठीक है ध्यान देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो सबसे पहले हम देखो प्रतिदिन समिष्ट बना लेते देखो एस एस क्या बनेगा एक हमारे पास देखो ठीक है एक परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों या तो देखो लड़का हो सकते ठीक है दोनों लड़का या फिर पहली पहला लड़का हो सकता है दूसरी लड़की या फिर लड़का या लड़की लड़का हो सकता है या फिर दोनों लड़की हो सकती है, देखो ये संभावना होगी देखो चेक कर लो एक परिवार में अगर दो बच्चे हैं तो या तो दोनों लड़के होंगे या फिर लड़का और लड़की होगी ठीक है या फिर लड़की या फिर लड़का होगा या फिर दोनों क्या होंगी लड़की होंगी, यहाँ पे दोनों मतलब बी का मतलब दोनों बॉय ठीक है बॉय मतलब लड़का वी जी मतलब देखो बॉय और लड़का या फिर गर्ल्स और बॉय ठीक या फिर गर्ल्स गर्ल्स हो सकते हैं, अब ठीक है हमें प्रायिकता किसकी निकालना है देखो देखो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको हमें ई मानना है, क्या मानना है ई, देखो ई किसको मानेंगे देखो ई दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता देखो लड़की होने की प्रायिकता ठीक है दोनों बच्चे के आप लिखेंगे ठीक दोनों दोनों बच्चों के
लड़की होने की घटना, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद देखो, इसका हम पहला पार्ट जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में एफ क्या मानेंगे, देखो ठीक है, एफ हमें दे रखा, देखो ठीक है। पहले पार्ट में क्या करा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, देखो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे छोटा जो बच्चा है, ठीक है, सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की होने की घटना, ठीक है, लड़की होने की घटना। देखो ठीक है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, चलो ई निकालो, देखो ई कितना, देखो ई, देखो यहाँ पे ठीक, ई क्या होगा, दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, देखो तो ये दोनों बच्चे लड़की होनी चाहिए, मतलब जी जी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, जी जी आएगा, ठीक है यहाँ पे देखो, तो F निकाल लो, F कितना होगा, F होगा देखो सबसे छोटा बच्चा लड़की, देखो ठीक है, लड़की देखो सबसे छोटी है, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, देखो ये वाले दोनों केस लेना तुम्हें, ठीक है, देखो लड़की इनमें दोनों में कैसे छोटी है, तो यहाँ से जगह देखो हमारे पास एक तो आएगा जी बी आएगा, तो दूसरा जगह देखो जी जी आ देगा, ये आएगा, ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे कॉमन निकाल लो, ठीक है, ई इंटरसेक्शन देखो एफ कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन जो एफ आएगा वो कितना होगा, देखो जी कॉमा जी होगा, कितना होगा दो जी कॉमा जी, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल निकालने पी ई वाई एफ निकालना, ठीक है, ई वाई एफ, तो फॉर्मूला लगा दो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में जाएगा एन एफ, तो देखो इंटरसेक्शन में दो कितने अवयव, देखो इंटरसेक्शन में दो एक अवयव, ठीक है, तो एक बटे डी एन एफ, एफ में कितने अवयव, देखो दो अवयव है, तो यहाँ पे दो लिख देते, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक और पार्ट है, इसमें देखो ठीक सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट करते, देखो ध्यान से देखना, ठीक सेकंड पार्ट देखो, ठीक सेकंड पार्ट कह रहा, देखो ये कह रहा हमसे, देखो सेकंड पार्ट कह रहा कि ये चीज ज्ञात है, देखो ठीक कि न्यूनतम बच्चा एक लड़की है, देखो देखो ई हमारी वही रहेगी, ठीक ई घटना चेंज नहीं होगी, ठीक ई क्या थी, ई वही रहेगी, ठीक प्रैक्टिकल में देखो इसी की निकालनी है, दोनों बच्चों की लड़की होने की निकालना, ठीक है, ये चीज ज्ञात थी, तो इसमें दो केस बनेंगे, तो देखो दोनों बच्चे की लड़की होने की आप लिखेंगे दोनों ठीक है, दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, ठीक है, लड़की होने की घटना, देखो ठीक ये हमारे पास ई आ गई, एफ क्या मानना, देखो एफ ये मानना, ठीक है, तो सेकंड वाला केस मानोगे, ठीक है, ये वाला न्यूनतम एक बच्चा लड़की, देखो यहां पे लिखेंगे न्यूनतम एक बच्चा, न्यूनतम एक बच्चा, ठीक है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की, ठीक है, लड़की था यहाँ पे कि लड़का था, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देख लेते, ठीक है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की, ठीक है, यहाँ पे लड़की, लड़की होने की घटना, देखो ठीक है, होने की घटना, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होने की घटना। अब देखो ठीक है, इन घटनाओं को फिर से हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे ई लिख लो, ठीक है, ई क्या होगी, देखो घटना ई होगी, दोनों जो बच्चे थे वो क्या है, लड़की है, ठीक है, तो जी जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ठीक, तो दोनों एफ निकाल लो, देखो ठीक है, एफ क्या कर रहा है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, देखो ठीक है, एक बच्चा लड़की हो या फिर दोनों लड़की हो, देखो ये तीन ये केस आएंगे, ठीक है, ये तीनों केस लिख लो, देखो कितना आएगा, वी जी, इसको लिखेंगे हम लोग वी जी, ये लिखेंगे जी वी, और ये लिख देंगे जी जी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनका देखो इंटरसेक्शन, देखो ठीक है, इंटरसेक्शन कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास ई इंटरसेक्शन, देखो एफ क्या आएगा, तो कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, जी जी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जी जी, ये आ जाएगा, तो जी जी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना, अब इसकी प्रैक्टिकल निकाल लो, तो ठीक है, प्रैक्टिकल निकालेंगे, तो पी ई वाई एफ जो होगा, ठीक है, पी ई वाई जो एफ होगा, एन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में हो जाएगा एन एफ, एन एफ, ठीक है, पी ई वाई एफ
दो यहाँ पे कितना आएगा इंटरसेक्शन में, दो एक अब बेटी, दो वन बटे एन एफ, एन एफ कितना दो, एन एफ हमारे पास तीन है तो यहाँ पे तीन लिख लेना, तो ठीक ये आंसर आ गया हमारे पास, देख लो ठीक है, इस तरह से लगाना ठीक है। और सभी लोग देखो ये फॉर्मूला ठीक है, पी वाई एफ लिखोगे हमेशा ठीक है, जो चीज हमें ज्ञात होती है उसको नीचे रखा जाता ठीक है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको क्या रखते हैं हम लोग, ऊपर रखते हैं, तो पी वाई एफ निकालना है, उल्टा नहीं लिखोगे कोई स्टूडेंट ठीक है, ना उल्टा लिख दो ठीक है, ना तुम कहो नहीं सर हम एफ बटे ई निकालेंगे, ऐसा नहीं करोगे ठीक है, ऐसा नहीं होता है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको क्या रखना है, ऊपर रखना ठीक है, और जो चीज तुम्हें ज्ञात होती है वो नीचे रखी जाती है। चलो ठीक है जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, लिखो ठीक नोट करो जल्दी से, लो नोट कर लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर ठीक है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो एक प्रशिक्षक के पास 307 असत, देखो 307 असत प्रकार के आसान प्रश्न, आसान प्रश्न ठीक है, फिर कह रहा है 207 प्रकार सत और असत प्रकार के कठिन प्रश्न है, फिर कह रहा देखो 500 जो है वो बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न है, देखो फिर कह रहा देखो 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है, फिर कह रहा यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदचा चुना जाता है तो एक प्रश्न के दो, तो एक आसान प्रश्न के दो ठीक, क्या लिखा आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, देखो ठीक क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कर रहा, देखो ये 300 जो है वो सत और असत प्रकार के आसान प्रश्न है ठीक, सत असत प्रकार के आसान प्रश्न है, फिर कह रहा 200 जो है ये सत और असत प्रकार के कठिन प्रश्न है, फिर कह रहा 500 जो है बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न है, देखो ये बहुविकल्पी प्रकार के कैसे आसान प्रश्न, फिर कह रहा 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह, फिर कह रहा यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छा चुना जाता है, एक प्रश्न यदृच्छा चुना जाता है तो आसान प्रश्न की, देखो आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बतानी है, तो प्रश्न आसान होना चाहिए ठीक है, और उसके बहुविकल्पी होने की प्रायिकता होनी चाहिए, तो देखो हमें ये कह रहा है, देखो ज्ञात क्या है, देखो ज्ञात ये कि प्रश्न कैसे आसान है और प्रायिकता निकालने किसकी बहुविकल्पी होने की, ठीक है चलो देखो ध्यान से रखना, तो सबसे पहले देखो ध्यान से रखना ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कुल प्रश्न, देखो यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे कुल प्रश्न, देखो कुल प्रश्न कितने, देखो ध्यान देखो जोड़ो सबको, 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 देखो ठीक, तो कुल प्रश्न आ जाएंगे हमारे पास 1400 आ जाएंगे, देखो ठीक यहाँ पे जोड़ लेना ठीक है, देखो 500 1000 अच्छा 1400 ठीक है, 1400 कुल प्रश्न हो गए हमारे पास, कुल प्रश्न है 1400 ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, देखो ई किसको मानेंगे, देखो ई मानेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, क्या मानेंगे बहुविकल्पी प्रश्न होने का ठीक है, बहुविकल्पी
बहुविकल्पी प्रश्न होने की घटना। बहुविकल्पी प्रश्न होने की घटना ठीक है। एफ क्या मानेंगे तो एफ ये पता था कि प्रश्न कैसा था, आसान। यहां लिखेंगे आसान प्रश्न होने की घटना, आसान प्रश्न होने की घटना, आसान प्रश्न होने की घटना। देखो ठीक, अब चलो देखो ई का हम काउंट कर लेते। देखो ठीक ई कितना है, देखो हमारे पास ई, तो देखो यहां पे एन ई लिख लो ठीक है। एन ई कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो ठीक है। एन ई बहुविकल्पी कितने प्रश्न है, देखो 500 और 400 देखो, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो यहां पे तो हम लिखेंगे 500 प्लस 400 ठीक है। और एन एफ कितना आएगा, देखो एन एफ देखो ध्यान से, एन एफ देखो क्या कर रहा था, आसान प्रश्न ठीक है। आसान प्रश्न कितने देखो, एक तो देखो ये 300 आसान है ठीक है, और ये 500 आसान है ये, तो इन दोनों को जोड़ लो ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 प्लस 500 ठीक है। यहाँ पे ऊपर जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 900, नीचे आएगा 800। अब इनका कॉमन क्या रहा, देखो कॉमन ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ देखो देख सकते ठीक है। मतलब कॉमन कौन सा होगा, देखो कॉमन वो प्रश्न होगा ठीक है, विकल्पी भी हो और आसान भी हो। तो देखो बहुविकल्पी और आसान प्रकार के कितने प्रश्न, देखो ये 500 प्रश्न है, कितने हैं देखो 500। तो देखो यहाँ पे ठीक, देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ठीक ये चीज कॉमन है, तो लिख लो यहाँ पे 500 ठीक है। तो ये देखो हमारे पास एन इंटरसेक्शन एफ, तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा सॉरी यहाँ पे प्रैक्टा निकालनी ठीक है, सॉरी यहाँ पे पी लिख रहा ठीक है, पी ई वाई एफ निकालना ठीक है प्रैक्टा। तो एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन देखो प्रैक्टा कितनी है, देखो 500 ठीक है, 500 लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 500 ठीक, बटे में एन एफ कितना, देखो एन एफ हमारे पास 800, काटो दो, दो जीरो कट जाएंगे ठीक है, 5 बटे कितना आ गया, 8 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ला लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। देखो आंसर एक बार हम चेक कर लेते ठीक है, देखो आंसर एक बार चेक कर लेते कहीं पे। देखो ठीक सही है ठीक है, आगे आंसर ठीक है, सही लगाओ ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। देखो ठीक नोट कर लो, लगा लो ठीक सभी लोग जल्दी से नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से, आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह दिया है कि दो, यह दिया है कि दोनों पासों को फेंकने पर, दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बताओ। दो पासे फेंके जाते ठीक है, जिनपे संख्या कैसी है, तो वो भिन्न भिन्न है ठीक है, ये मुझे पता है। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का योग जो है वो 4 होने की प्रायिकता बताओ। देखो ठीक यहाँ पे ध्यान रखना, तो देखो सबसे पहले टोटल कितने होंगे, देखो टोटल हो जाएंगे हमारे पास एनएस होगा ठीक है, 6 × 6 कितना हो जाएगा, तो वो 36 हो जाएगा, 36 आएगा ठीक है। दो पास एक साथ फेंके जाते ठीक है यहाँ पे। अब देखो ई हम क्या मानेंगे, ई देखो सबसे पहले ई मान लेते, देखो ठीक ई सच दैट कि दोनों संख्याओं का योग 4 हो ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 4 हो, तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 4 हो, 4 होने की घटना, 4 होने की घटना ठीक है। अब भी इसके बाद वो एफ के बाद वो एफ, तो वो हमें ये पहले ही से पता है ठीक है, जो पास
दोनों पासों पर जो संख्या है वो कैसी है, भिन्न भिन्न, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पासों पर ठीक है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या, ठीक है, प्राप्त संख्या कैसी है, भिन्न भिन्न, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, विन विन होने की घटना, ऐसे लिख लो, ठीक है, विन विन होने की घटना, दो ठीक विन विन होने की घटना। चलो तो देखो सबसे पहले हम ई निकाल लेते, दो ठीक ई कितना होगा हमारे पास, देखो ठीक ई, तो ई निकाल लेते, देखो ई में कितने अवयव होंगे, तो जांच देखो ठीक है, दो पास है, देखो एक इधर पास है एक इधर पास है, ठीक है, तो इस वाले पास पे क्या कह सकता है, एक दो तीन चार पांच छह, और इधर तो क्या कह सकता है, एक दो तीन चार पांच छह, ये आ सकता है। अब देखो ये कह रहा था कि अंकों का योगफल चार होने चाहिए, अगर पहले पे वन आ गया तो दूसरे पे बताओ क्या आने चाहिए कि योगफल चार हो जाए, क्या आने चाहिए, यहाँ पे तीन आने चाहिए, क्या आने चाहिए, तीन, तो पहला थोड़ा मिल गया हमें वन कॉमा थ्री मिल गया। अब मान लो पहले पे दूसरे पे दो आ गया तो दूसरे पे भी दो ही आने चाहिए, तभी योगफल हमारा कितना होगा, चार होगा, तो दो कॉमा दो आ जाएगा। अब बताओ ठीक है, अगर पहले पे तीन आएगा ठीक है, तो दूसरे पे कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो ये आएगा हमारे पास थ्री कॉमा वन, ये आ जाएगा। अब तो आप कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा ठीक है, बाकी कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, अगर इस पे देखो चार आ गया ठीक है, तो अब इस पे कुछ भी अगर रखोगे तो वो संख्या वो चार से बड़ी हो जाएगी, अब नहीं जोड़े बनेंगे ठीक है, आप बंद कर दो। तो अब देखो एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ तो यहाँ पे एन एफ हम निकाल लेंगे ठीक है, तो एन एफ कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे नहीं, दो एन एफ हम काउंट कर लेंगे, दो कैसे, देखो टोटल हमारे पास 36 संख्या होती है, कितनी होती है 36, तो 36 में से देखो 6 संख्या घटा दो, कौन सी 6 घटाएंगे, देखो देखो 6 में संख्या घटाना, देखो ठीक है, एफ क्या कह रहा था कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्या कैसी है, भिन्न भिन्न, जो दोनों पासों पर जो संख्या प्राप्त हो रही कैसी है, भिन्न भिन्न, तो देखो तो 36 में से 6 संख्या घटा दो ठीक है, 6 कौन सी घटा दी हमने, देखो 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5 हटा दिया ठीक है, और 6 हटा दिया लास्ट में, ये 6 संख्याएं होती है ठीक है, जो दोनों पे संख्या कैसी होती है, बराबर होती है, ये संख्या नहीं आनी चाहिए, तो 6 हटा दो यहाँ पे ठीक है, 6 हटा देंगे, कितना बचा, देखो हमारे पास 30 बचेगा, कितना बचा 30। अब देखो ये तो हमारा एन एफ आ गया ठीक है, अब देखो हमें इंटरसेक्शन देखना ठीक है, इंटरसेक्शन कितना होगा, दो क्या इंटरसेक्शन आएगा, देखो ध्यान से देखो ठीक है, कॉमन क्या आएगा, देखो ध्यान से ठीक है, देखो E और F में कॉमन क्या आएगा, देखो ये वाला अवयव जो है वो कॉमन नहीं आएगा, F में ये वाला अवयव नहीं आएगा, ये अवयव F में आएगा, ये भी अवयव F में आएगा, क्योंकि F में वो सारे अवयव हैं जिनमें दोनों संख्या कैसी, देखो भिन्न भिन्न है, ये दोनों संख्या देखो समान समान है, तो ये F में आएगा नहीं, तो ये हट जाएगा ठीक है, तो कितना कॉमन आएगा, देखो कॉमन आएगा 1 3 आएगा और 3 1 आएगा, ये कॉमन आएगा, फॉर्मूला लगा दो ठीक है, तो PE/F देखो कितना हो जाएगा, ये जाएगा एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना जाएगा, दो एन एफ हो जाएगा, तो देखो इंटरसेक्शन दो कितने अवयव है कॉमन, इंटरसेक्शन में देखो दो अवयव कॉमन ठीक, बटे एन एफ, एन एफ में कितने, दो एन एफ में 30 अवयव काट दो ठीक, कितना गया 1/15 आ गया, 1/15 ठीक है, दो ये हमारे पास आंसर आ गया, ला लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक इस तरह से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ठीक, सब लोग तैयार कर लेना ठीक है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ठीक, ये चलो जल्दी से आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो, चलो ठीक है, तो अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते थे ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से देखना ठीक है, कह रहा देखो एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, दो एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए ठीक है, लिखा है यदि पासे पर तीन यदि पासे पर संख्या 3 का
गोड़ा जोड़, तीन का गोड़ा जोड़, तो पासे को पुनः फेंके, ठीक है, पासे को पुनः फेंके। और फिर कह रहा है यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती है तो एक सिक्के को उछालें। तो कह रहा है कोई अन्य संख्या प्रकट होती तो एक सिक्का को उछालते हैं। फिर कह रहा है घटना देखो, कह रहा है न्यूनतम एक पासे पर तीन प्रकट हो, प्रकट होना दिया गया, ठीक है, ये दिया गया है। क्या दिया है कि न्यूनतम एक सिक्के पर तीन प्रकट होता है, ये तुम्हें पता है। तो घटना दो, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सा प्रतिबंध प्रायिकता बताइए। देखो सिक्के पर पट प्रकट होने की सा प्रतिबंध प्रायिकता निकालने, चलो ठीक है, ध्यान देखो। अब देखो सबसे पहले इसको देखो, हम लोग सॉल्व करने से पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे फिगर बनाओ, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक पासा लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है, एक हमारे पास पासा, ठीक है, ये हमारे पास कोई मान लो एक पासा, ठीक है, पासा। अब देखो ठीक है, पासा जब उछालेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या क्या आता है, देखो तो हमारे पास दो, ठीक, हमारे पास या तो वन आएगा, ठीक है, वन के बाद या तो हमारे पास टू आएगा, या फिर हमारे पास थ्री आएगा, या फिर हमारे पास फोर आएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास कितना आएगा, फाइव आएगा, या फिर हमारे पास कितना आएगा, देखो सिक्स आएगा, ये आएगा, ठीक है, अब वो क्या कह रहा था, देखो ठीक, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, देखो ठीक, क्या कह रहा था, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। देखो यदि पासे पर संख्या, देखो ठीक, पासे पर प्रकट संख्या तीन का गुणा जो, तो पासे को पुनः फेंक दे, ठीक, पासे को पुनः फेंक दे। देखो तीन का गुणा, देखो कहां कहां आ रहा, देखो एक तो ये आ रहा तीन का गुणा, ये आ रहा, देखो ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, एक पासा फिर से फेंकना होगा, यहां पर क्या खींचना है, एक पासा, ठीक, यहां पर दो, यहाँ पे ठीक है, एक पासा तुम्हें फेंकना है यहाँ पे, ठीक है, एक पासा, और इधर आ जाओ, ठीक है, एक यहाँ पे देखो पासा, ठीक है, तीन का अगर गोला जाता तो पासा फेंकेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक पासा। अब देखो यहाँ पे इसके बाद वो फिर क्या कर रहा, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती तो एक सिक्के को उछालो, ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाता, देखो यहाँ पे सिक्का उछालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एक सिक्का उछालेंगे, ठीक, तो उसमें क्या क्या आएगा, देखो या तो उसमें हेड आएगा या फिर क्या टेल आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक, यहाँ पे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, देखो टेल आएगा, ठीक, यहाँ पे और इधर आ जाओ, ठीक, इसमें भी देखो यही होगा, ठीक, क्या होगा, या तो हेड आएगा, ठीक, और या फिर क्या आएगा, देखो टेल आएगा, ये हेड आएगा, ये फिर टेल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पासा उछाला आता, ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पासे में क्या आएगा, देखो एक दो तीन चार पांच छ, ये आएगा, ठीक है, ऐसे यहां पे देखो यहां पे क्या आएगा, एक दो तीन चार, तीन चार, ठीक, पांच और छ, देखो ठीक, इतना फिगर बन गया, देखो ठीक, ये फिगर तुमने बना लिया, ठीक, अब देखो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, देखो यहां पे, देखो ठीक, यहां पे अब देखो ध्यान से, देखो ठीक, एक चीज इसमें देखो याद रखना सब लोग, ठीक है, कि क्वेश्चन में देखो बस यही तक दिया है, ठीक है, देखो अब उसने ये नहीं कहा है कि ये हमेशा चलता रहता है, मतलब ये प्रक्रिया दो ऐसा, ठीक है, दो क्योंकि यहाँ पे पासा उछाला, ठीक है, दो अगर तीन और छह आएगा तो पासा फिर से उछालो, दो तो पासा फिर से उछालोगे तो फिर से तुम्हारे पास देखो यहाँ पे फिर से देखो तीन आएगा, ठीक है, तीन आएगा तो फिर से तुम पासा उछालोगे, और यहाँ पे देखो छह आएगा फिर से पासा उछालोगे, तो ये प्रोसेस ऐसे अनंत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, देखो याद करो। परंतु देखो ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने कहीं ना ऐसा नहीं बोलना कि ये प्रोसेस ऐसे अनंत तक चलता रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जितना क्वेश्चन में कहा था उतना हमने फिगर बना लिया, देखो उसने कहा था एक पासा उछालो, ठीक है, फिर पासा हमने उछाल दिया, अगर कह रहा था तीन का गुणा थे तो एक पासा उछाल दो, हमने फिर पासा उछाल दिया, तो ये देखो तीन का गुणा थे तो एक पासा उछाल दिया, और अन्य किसी में क्या कह रहा था एक सिक्का उछालो, सिक्का उछालेंगे तो ऐड आएगा या तो टेल आएगा, तो इतना हमने फिगर बना लिया। देखो बहुत सारी किताब वालों ने क्या किया, इसको अनंत मान के सॉल्व किया, ठीक है, तब आंसर दूसरा आएगा, ठीक है, और जब अनंत हम लोग नहीं मानेंगे तो हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच करेगा, तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं दिमाग लगाना, ठीक है, देखो इसलिए हमें अनंत तक इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, नहीं तो ये प्रोसेस खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा कि ये प्रोसेस लगातार, ये परीक्षण लगातार चलता रहता है। देखो यहाँ पे तीन आएगा, ठीक है, तीन आएगा फिर से पास उछालोगे, यहाँ पे छह फिर से पास उछालोगे, जब पासा उछालोगे तो फिर से तीन या छह आएगा, फिर से पासा उछालोगे, तो ऐसे ही तो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। चलो देखो ठीक है,
तो हम लोग अनंत मान के नहीं सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो वो तो देखो इसके बाद क्या करना तुम्हें, इसका देखो हम प्रत्येक समिष्ट बना देते, दो टी प्रत्येक समिष्ट एस क्या बनेगा, तो एस बना लो, ठीक है। तो अगर देखो वन आता भी तो हम लोग सिक्का उछालते तो वन एच आएगा, तो ऐसे लिखना है वन एच, ठीक है, वन एच, और फिर लिखेंगे वन टी लिख देंगे, ठीक है, देखो ठीक वन एच वन टी, फिर लिखेंगे टू एच टू टी, टू एच और टू टी, टू एच टू टी, ठीक है। और इसके बाद वो टी फिर आएगा थ्री, थ्री वन आएगा, दो ध्यान से कोटी, यहाँ पे थ्री वन आएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्री आएगा तो पासे पे फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री, फिर फोर फाइव सिक्स, ऐसे छह केस बनेंगे। ये आएगा हमारे पास थ्री टू आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और ये आएगा हमारे पास थ्री थ्री आ जाएगा, और थ्री फोर आ जाएगा, थ्री फाइव आ जाएगा, ठीक है, थ्री सिक्स आ जाएगा, चलो दो ठीक, ये आएगा थ्री सिक्स तक आ गया। अब आ जाओ तो वो ठीक है, ये आ जाएगा फोर एच आएगा, ठीक है, हमारे पास फोर एच फोर टी आएगा, फोर एच फोर टी, और फाइव एच आएगा और फाइव टी आएगा, इसके बाद आ जाओ, ठीक है। तो इसके बाद सिक्स दो ठीक है, सिक्स वन आएगा, सिक्स वन और सिक्स टू, और ये आएगा सिक्स थ्री और सिक्स फोर, और ये आएगा हमारे पास सिक्स सिक्स आएगा और सिक्स फाइव आएगा और सिक्स सिक्स आएगा, देख लो ठीक है, ये सारे आएंगे देखो। तो ये हमारे पास देखो प्रत्येक समिष्ट बन गया, ठीक है। अब हम देखो घटनाएं मानते, ठीक है, घटना देखो ई मान लो, देखो ई किसको मानेंगे, किसकी प्रायिकता निकालना, देखो सिक्के पर प्रकट, ऐसे सिक्के पर पट प्रकट होना, ठीक है। देखो तो ऐसे लिखेंगे तो वहां पे लिख देंगे हम लोग सिक्के पर, देखो यहां पे सिक्के पर, सिक्के पर पट प्रकट होना, ठीक है, पट प्रकट होने की घटना, पट प्रकट, पट प्रकट होने की घटना, अब आ जाओ तो एफ किसको मानेंगे, तो ठीक है एफ, एफ देखो मैं पता क्या देखो यहां पे, ठीक है, दे क्या रखा, तो वो ध्यान से देखना, देखो ठीक है क्या दे रखा है यहां पे, देखो दे रखा था, देखो घटना का न्यूनतम एक पासे पर संख्या तीन का प्रकट होना दिया गया, देखो ये दिया गया, तो न्यूनतम एक पासे पर संख्या तीन प्रकट होना, देखो लिखेंगे न्यूनतम एक सिक्के एक पासे पर, ठीक है, एक पासे पर, एक पासे पर, ठीक है, संख्या तीन का प्रकट होना, ठीक, संख्या तीन का प्रकट होना, देखो ठीक, संख्या तीन का प्रकट होना, ठीक, अब आ जाओ ठीक, इसके बाद देखो सबसे पहले ई लिख लेते, देखो ठीक, ई लिख लो, देखो ई कितना, देखो कह रहा, देखो सिक्के पर पट प्रकट होना, ठीक, देखो पट कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा, सारे लिख लो, तो पट कहाँ कहाँ आ रहा, देखो एक तो ये आ रहा पट, ठीक है, पट सॉरी पट होता टेल, ठीक है, ये और ये, ठीक है, देखो देखे ना पट, ठीक है, ये टेल होती है, देखो एक तो ये आएगा, तो हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे वन टी लिख लेते, देखो ठीक, और टू टी लिख लेते, देखो इसके बाद देखो ठीक है, इसके बाद फिर क्या मिल जाए, देखो ये टी फोर टी, यहाँ पे आ जाएगा फोर टी, फोर टी, ठीक, इसके बाद फिर क्या मिल रहा, देखो सॉरी यहाँ पे फाइव टी होगा, ठीक, यहाँ पे सॉरी फाइव टी होगा, ठीक है, फाइव टी, तो यहाँ पे फाइव टी आएगा, देखो ठीक, ये आएगा हमारे पास फाइव टी, ठीक है, अब देखो और कहाँ मिल रहा, और कहीं नहीं मिल रहा होगा, ठीक, अब नहीं मिलेगा, ठीक, ये सारे केसेस बन गए, देखो देखो ठीक, दास देखो ये बन गए, ठीक, अब आ जाओ ठीक, तो इसके बाद अब देखो एफ, एफ क्या होगा, देखो एफ कह रहा है कि न्यूनतम, देखो न्यूनतम एक पासी पर अंक तीन प्रकट होना, ठीक है, एक पासी पर अंक तीन प्रकट हो या फिर दोनों पे प्रकट हो, तो तीन वाली ये पूरी सीरीज लिख लो, देखो ठीक, यहाँ पे तीन वाली पूरी सीरीज लिख लेते, देखो ये आएगा हमारे पास थ्री कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फाइव और थ्री कॉमा सिक्स, थ्री कॉमा सिक्स, और इसके बाद तो एक और मिलेगा, ठीक है, सिक्स कॉमा थ्री और मिलेगा, इतने सारे केस बनेंगे, दो चेक कर लो, ठीक है, दो अब तो ई इंटरसेक्शन, दो एफ कितना होगा, ठीक है,
इंटरसेक्शन एफ, बोलो कॉमन क्या होगा देखो इसमें और इसमें, देखो कॉमन आ रहा है कुछ, कुछ नहीं कॉमन आ रहा देखो, ठीक कॉमन क्या है यहाँ पे फाई है, क्या फाई, तो एन ये आएगा तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा जीरो आ जाएगा, एन इंटरसेक्शन सी सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब प्रैक्टर निकालो ठीक है, तो प्रैक्टर आ जाएगी पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ कितना जाएगा एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना जाएगा एन एफ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो पी ये आएगा हमारे पास ई बाई एफ ठीक है, तो ई बाई एफ हो जाएगा। देखो इंटरसेक्शन में देखो कितना कॉमन है, एक भी नहीं है कॉमन ठीक है, तो क्या रखेंगे जीरो, बटे में देखो एन एफ ठीक है, एन एफ में देखो एफ में कितने अभी में देखो एफ अभी में हमारे पास दो दो चार पांच छह सात, कितने अभी में देखो सात अभी में ठीक है, तो यहाँ पे सात लिख दोगे ये तो जीरो ही आएगा ठीक है, तो पी ई वाई एफ आ गया जीरो आ रही ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। देख लो ठीक है, लगा लो सब लोग ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, लिखो ठीक है नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लिखो यहां से ठीक है नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो चलिए आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो अंगलों को जल्दी से, ये नोट कर लो। इसके बाद देखो आगे लिखो जल्दी से, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 16 नंबर ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही प्रश्न सॉरी यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में सही उत्तर का चयन चुनना ठीक है, सही उत्तर चुनना देखो, चलो देखो ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, देखो पी ए का मान दे रखा है कितना है एक बटे दो ठीक है यहाँ पे, और पी बी का मान कितना देखो जीरो है, पूछ रहा हमसे देखो पी ए बाई बी कितना होगा, तो लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना जाएगा पी बी आ जाएगा दो ठीक है, इंटरसेक्शन में देखो इंटरसेक्ट पता नहीं ठीक है, देखो कोई पता नहीं ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे पी भी पता है कितना है जीरो है। अब देखो वटे में जब जीरो आएगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिवर्तित हो जाएगा, कैसा हो जाएगा अपरिवर्तित ठीक है, देखो अपरिवर्तित ही दो कैसा हो जाएगा आप प्रवासित आ जाएगा, तो ये सी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा ठीक है, तो लगा लो ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से। चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाई बी बराबर है किसके पी वी बाई ए ठीक है, कह रहा है नॉट इक्वल टू जीरो तब दो ठीक, तब क्या होगा ये पूछ रहा हमसे, तो लोग देखो सॉल्व करते देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है देखो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो दिया है ठीक है, यहाँ पे दिया है कि पी ए बाई जो वी है ठीक है, पी ए बाई वी बराबर दो ठीक है पी वी वाई ए हमें दे रखा है, लगा दो ठीक है फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ठीक है कि क्या हो जाएगा पी
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना आएगा, पी बी हो जाएगा। इधर आ जाओ थी, ये जाएगा पी वी इंटरसेक्शन ए अपॉन में आ जाएगा, तो वो पी ए आ जाएगा। देखो ठीक, अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो बराबर होती थी, देखो ये चीज बराबर होती, देखो अगले पेज पे हम लिख देते देखो ठीक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए बराबर ठीक। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ठीक, इसको तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ठीक, तो अपॉन में देखो कितना आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे सॉरी मिस्टेक कर ली, यहाँ सॉरी यहाँ पे ठीक, यहाँ पे गलत लिखा ठीक, यहाँ पे पी बी होगा, क्या होगा यहाँ पे पी बी होगा ठीक यहाँ पे, और ये हमारे पास पी ए, तो ये तो कट जाएगा ठीक, हटा दो कितना होता है, वन अपॉन पी बी बराबर वन अपॉन पी ए, तो यहाँ से आएगा हमारे पास तो वो पी ए बराबर किसके हो जाएगा, तो वो पी ए बराबर देखो पी बी के, देखो ये आ गया ठीक हमारे पास। नोट कर लो तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो ये वाला ऑप्शन सही है, तो ठीक डी पार्ट इसका सही है। लालो ठीक लिख लो जल्दी से सभी लोग, आगे लिखो जल्दी से ये नोट कर लो। देखो ठीक है ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज और थ्योरी अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो स्टूडेंट ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर से मिलेंगे ठीक है।